नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नज़र डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पिछले साल नवंबर में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी पर आपत्तिजनक बयानों को लेकर आज सूरत क्राइम ब्रांच गुजरात आप नेता गोपाल इटालिया को गिरफ्तार कर लिया गया था। FIR के मुताबिक गोपाल इटालिया ने राज्य के गृह मंत्री को ड्रग सांघवी के नाम से पुकारा था और बीजेपी कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि इटालिया ने एक सम्मानित व्यक्ति को बदनाम किया। बता दें, गिरफ्तारी के कुछ देर बाद ही उन्हें बेल मिल गई थी, लेकिन इस मामले पर राजनीति तेज हो गई है। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पूरे मामले पर ट्वीट कर कहा है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के शानदार प्रदर्शन से बीजेपी इस कदर बौखला गई है कि उसने अब हमारे गुजरात के नेता गोपाल इटालिया को गिरफ्तार कर लिया है। अब बीजेपी का एक ही मकसद है कि आम आदमी पार्टी को कैसे खत्म किया जाए। ये लोग एक एक करके सबको जेल में डाल देंगे। वहीं बेल मिलने के बाद इटालिया ने भी ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि गुजरात में बीजेपी डरी हुई है। गुजरात में जब से आम आदमी पार्टी ने अपनी ताकत दिखाई है, तब से भ्रष्ट बीजेपी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। हमें जेल या ट्रायल का डर नहीं है। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 10 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। पार्टी ने कृष्णाराज से मौजूद विधायक रामदास का टिकट काट दिया है और उनकी जगह श्रीवास्तव को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके साथ ही महादेवपुरा से अरविंद लिम्बावली की जगह उनकी पत्नी मंजुला को उम्मीदवार बनाया गया है। साथ ही हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट से टी महेश को टिकट दिया गया है। बता दें, है वह सीट है जहां से पूर्व सीएम और आज कांग्रेस में शामिल होने वाले नेता जगदीश शेट्टार को ये सीट बीजेपी ने नहीं दी थी। राजस्थान कांग्रेस में पायलट गहलोत के बीच चल रहे मतभेदों के बीच कांग्रेस ने आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है और इसके चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पार्टी इंचार्ज सुखजिंदर सिंह रंधावा और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी गोविंद सिंह डोटासरा विधायकों के साथ 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में आज टोंक विधानसभा सीट से विधायक सचिन पायलट के साथ मीटिंग तय की गई थी, लेकिन पायलट इस मीटिंग में अपने आउटरीच प्रोग्राम के कारण नहीं पहुंचे। कांग्रेस की सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री रघु शर्मा ने रिपोर्टरों से बात करते हुए बताया कि पायलट का यह प्रोग्राम मीटिंग के कई दिनों पहले से बना लिया गया। वहीं पायलट के वसुंधरा राजे सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर जांच के लिए एक दिन के अनशन पर भी पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राजस्थान को भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, मगर राजे की सरकार में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग लंबे वक्त से लटकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के कुछ घंटे बाद ही CBI ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। कुछ देर पहले ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चल रही जांच पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद माना जा रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों द्वारा निशाना बनाने के लिए केंद्र सरकार और विपक्षी दलों में तकरार बढ़ सकती है। बता दें, कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की आबकारी नीति मामले में CBI ने पूछताछ के लिए बुलाया था। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस के सामने सरेआम की गई हत्या के बाद यूपी की योगी सरकार और यूपी पुलिस पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। इसे लेकर सीएम योगी ने शनिवार देर रात एक हाई लेवल मीटिंग की थी और कड़े निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद आज सोमवार को एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में भाग लेने के लिए RK विश्वकर्मा CM आवास पहुँचे हैं। बता दें, यह मीटिंग योगी आवास यानी 5 कालिदास मार्ग पर हो रही है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक जगदीश शेट्टार ने 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। बीजेपी ने उन्हें इस बार टिकट नहीं दिया था, जिससे नाराज होकर उन्होंने रविवार को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वहीं इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा था कि JP नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने शेट्टार को दिल्ली में एक बड़ा पद देने का वादा किया था। बसवराज बोम्मई ने हुबली में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जगदीश शेट्टार इस क्षेत्र में एक वरिष्ठ और महत्वपूर्ण नेता रहे हैं। JP नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री ने शेट्टार को दिल्ली में एक बड़ा पद देने का वादा किया था। अगर पूर्व मुख्यमंत्री बने रहते तो सब कुछ ठीक होता। अतीक अहमद और अशरफ के हत्यारों को अब यूपी पुलिस ने नैनी जेल से प्रतापगढ़ जेल भेजने का फैसला किया है। यूपी पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई प्रशासनिक आधार पर की गई है। वहीं कुछ सूत्रों के अनुसार अतीक अहमद के बेटे अली ने इन तीनों को मारने की धमकी दी है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। बता दें, गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्या नाम के 3 शूटरों ने कैमरे के सामने गोली मार के हत्या कर दी थी, जिसके बाद तीनों के तीनों शूटरों को रविवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह का विरोध किया है। केंद्र ने कोर्ट को दिए अपने जवाब में कहा है कि अदालत समलैंगिक विवाह के अधिकार को मान्यता देकर कानून की एक पूरी शाखा को फिर से नहीं लिख सकती है, क्योंकि एक नई सामाजिक संस्था का निर्माण
न्यायिक निर्धारण के दायरे से बाहर है। केंद्र ने कहा कि जुडिशियल अवार्ड की मदद से समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी जा सकती। यह संसद के क्षेत्र में अधिकार क्षेत्र में आता है, न कि सुप्रीम कोर्ट के। केंद्र ने अपने हलफनामे में ये भी कहा कि कोर्ट के लिए याचिकाएं सोशल एक्सेप्टेंस के उद्देश्य से अर्बन एलिट आइडियाज को दर्शाती हैं। केंद्र ने कहा कि सेम सेक्स मैरिज को मान्यता न देने का विकल्प विधायी नीति का एक पहलू है। यह स्पष्ट विधायी नीति के मद्देनजर अदालत में न्याय करने के लिए सही विवाद नहीं है और शादी केवल एक पुरुष और महिला के बीच में ही हो सकती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन किया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, S रविंद्र भट्ट, PS नरसिम्हा और हेमा कोहली शामिल हैं। मामले पर अब अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मित्र कहे जाने से असहज हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर उन पर निशाना साधा है। CM अशोक गहलोत ने रविवार 16 अप्रैल को PM नरेंद्र मोदी के मित्र कहने पर एतराज जताते हुए इसे चालबाजी करार दिया। CM गहलोत ने कहा कि मैं लंबे समय से राजनीति में हूं और PM मोदी के भाषणों में इस्तेमाल होने वाली चालबाजी को समझता हूं। CM गहलोत ने कहा कि वो अपने भाषण की शुरुआत तो मेरे मित्र अशोक गहलोत के साथ करते हैं और फिर मेरी ही सरकार की ऐसी तैसी करेंगे। दरअसल बीते दिनों वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CM अशोक गहलोत पर तंज कसा था। PM नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक मित्र के नाते गहलोत जो भरोसा रखते हैं उसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इन दिनों वे राजनीतिक आपाधापी और अनेक संकटों से गुजर रहे हैं, इसके बावजूद वे विकास के काम के लिए समय निकाल कर आए, मैं उनका स्वागत करता हूं। वहीं अब PM मोदी के इस भाषण के बाद से ही CM अशोक गहलोत लगातार उन पर सियासी हमले करते नजर आ रहे हैं। आज IPL में बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आमने सामने हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।